लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कम ऑन यार, तू प्रिया माँ को अपने साथ रख सकती है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है जिसके लिए तुझे स्पेशली बुलाया गया है। प्रिया माँ को तू परमानेंटली मुंबई शिफ्ट करके अपने पास बुला सकती है। वो अपनी बेटी के साथ रह सकती है ना। She's getting into my personal life, यार। क्या किया उसने? अरे बार बार एक ही चीज कहती रहती है कि मैं अपनी बेटी को जानता नहीं हूँ। I need to get to know her. She's my daughter. Again and again the same bloody thing, यार। Cherry police! Oh my God! मैं जेल में हूँ मिस्टर खन्ना। I have been arrested. आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ लेने आ सकते हैं प्लीज। मिस्टर खन्ना ये आप क्या कर रहे हैं? अगर मेरे सवालों का जवाब ऑनेस्टली नहीं मिलेगा मुझे तो मैं ये फोटो आपके एचओडी को भेज दूंगा। This is blackmail, Mr. Khanna. Of course it is. I'm not denying it. फोटो भेज दूंगा तुम्हारे बॉस को। हाँ दिखा दीजिए ना। It's not what I meant, यार। I'm sorry, यार। ये लो। I've deleted, okay? आपने किसी और फोल्डर में सेव करके रखी होगी वो फोटो ऑलरेडी। मैं ऐसा क्यों करूंगा यार? You seriously think I want to ruin your life or what? Yes. Happy? ये क्या किया आपने? इतना महंगा फोन? Oh God, ये 65,000 का फोन आपने ऐसे ही तोड़ दिया? हाँ तो just see, शायद आप इसे फिर से यूज कर सकते हैं। What option did you leave me यार? मेरा विश्वास तो कर नहीं रही थी तुम। You weren't trusting me anyway. एक मिनट, तो आप 65,000 रुपए से मेरा ट्रस्ट खरीदने वाले थे? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? रेबीज का इंजेक्शन लगवाओ तुम्हें, हर चीज में काटने क्यों दौड़ती हो तुम यार? What is wrong with you? You know that's why you're single. Middle class, middle age and single. Yes, I'm single because of that. Middle age and middle class. लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम है मिस्टर खन्ना? आपकी तो शादी हुई थी ना, सुपरस्टार है ना आप? आज ना आपके साथ आपकी बीवी है ना आपके बच्चे। Why are you single? जी।
या रूम सर्विस, गेट मी सम आइस एंड बॉटल ऑफ शैंपेन प्लीज, थोड़ा जल्दी कीजिए. थैंक यू. आपके कमरे की चाबी. यू आर श्योर अबाउट दिस? मतलब एक बार चले जाओगी तो वापस नहीं आओगी? नहीं होंगे बच्चे, हर टूटी हुई चीज फिक्स नहीं हो सकती. और वैसे भी आपका रिश्ता सिर्फ अल्कोहल के साथ हो सकता है, और मैं उसके बीच में नहीं आना चाहती. ग्रेट, थैंक यू, सेफ जर्नी, बाय. शी विल बी बैक. मैडम उठिए, सुबह हो गई. नहीं रह गया ना, आ गई वापस. आइए. आई हाय हाय. टिप्सी कहाँ? वो चली गई. एक्चुअली मैंने निकाल दिया उसे, बट यू कैन स्टे प्लीज, कम कम कम. वैसे आई एम सरप्राइज्ड वो इतने दिन रुक कैसे गई. मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आई डोंट रियली नीड अ काउंसलर. जिस दिन मुझे शराब छोड़नी है मैं एक मिनट में छोड़ दूंगा. व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई एम सॉरी करण, बट इफ यू कैन नॉट बी ऑन टिप्सीज वॉल, आपके चांसेस बहुत कम है. कैन आई आस्क यू समथिंग? यू आर हर कजन. You obviously know her. शुरुआत से ऐसी है. I mean, emotionally वेरान, हैरान, परेशान, अब्बा जान, you know what I mean? अब तो वो चली गई ना, अब उसके बारे में जानने की क्या जरूरत है? Yeah, I guess. वैसे जाने को था ही क्या? I mean, come on, it's very simple. Let's face it. She hated me, but she loved my money. Sorry. तुम्हारी बहन है, no offense. None taken. Actually, आप सही कह रहे हैं. She really hated you, but she loved your money. Actually, उसे मुंबई में एक फ्लैट लेना था. ये तो नहीं बताया होगा टिप्सी ने आपको. You know what? उसकी एक और प्रॉब्लम है. उसका पेन और टॉलरेंस का थ्रेशोल्ड ना बहुत हाई है, और उसे लगता है वो सब कुछ हैंडल कर सकती है. पेरी अप्पा, टिप्सी फादर, ही एक्सपायर्ड 4 years ago, और उनका सारा बैंक बैलेंस उनके इलाज में खर्च हो गया. पेरी अम्मा अकेले रहती है बैंगलोर में. यू नो वॉट, अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है. टिप्सी ने पेरी अम्मा को सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. आपके केस के पैसों से फ्लैट का डिपॉजिट देकर वो पेरी अम्मा को मुंबई लाना चाहती थी, शायद इसलिए उसे लगा कि वो आपको हैंडल कर लेगी. इतनी भी इमोशनली वीरान नहीं है वो. हाँ, हैरान, परेशान, अब्बा जान, दैट आई एग्री, परेशान तो है वो. शी नेवर सेड एनीथिंग, मुझे ये सब बताया नहीं उसने. आपने कभी पूछा? टिप्सी को तो आपने निकाल ही दिया है, बहुत अच्छा दिन चुना है आपने. वैसे आज उसकी अम्मा का बर्थडे है. अम्मा का फोन नहीं लग रहा है. यू नॉट अ बैड गाय मिस्टर खन्ना, लेकिन आई रियली विश थिंग्स वुड हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट. विशाल, यू हैव टू डू मी अ रियली रियली बिग फेवर. देख, मुझे नहीं पता कि तू ये कैसे करेगा, बट समहाउ इफ यू कैन डू दिस, आई स्वेयर टू यू, जो तू बोलेगा मैं करूंगा. आप मिस्टर खन्ना की बेबी सिटर है ना? I'm just kidding. Vaisi, you're doing a good job in him.
ऑर्डर किया अभी तक? जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश कर। मैं इतनी दूर से महाबलेश्वर आई हूँ, तू मुझे अकेला छोड़ देगी? एक्सक्यूज मी, अकेली हूँ, दोस्ती करोगे? वो रिएक्शन, मतलब मामला सच में सीरियस है। हर साल अम्मा के बर्थडे पे सुबह 5:30 बजे उठकर सबसे पहले मैं उन्हें विश किया करती, और इस साल तब से फोन ट्राई कर रही हूँ और फोन ही नहीं लग रहा उनका। अच्छा है, वो वंस तेरी लाइफ ने इतना टेक ओवर कर लिया, दैट समथिंग हैड टू टेक अ बैक सीट, है ना? बहुत हो गया शेर, 1 घंटे में यहाँ से बस निकलेगी, हम लोग वापस मुंबई जा रहे हैं। और इतने दिनों में उसने मेरा नाम एक बार भी ठीक से नहीं बुलाया, कभी नागार्जुन, कभी तानपुरा, क्यों किया उसने ऐसा? मुझे क्या पता टिप्सी, तू ऑब्सेस्ड है क्या उससे? अरे ही इज माय बिगेस्ट फेलियर यार, वो तेरा कुछ नहीं है, ओके? कम ऑन, वो नहीं तो कोई और तेरा 125th पेशेंट बन जाएगा। ऐसे भी इस दुनिया में शराबी और गंजेड़ियों की कोई कमी नहीं है। पागल हो गई हूँ मैं उसके चक्कर में, एक तो 72 घंटे से सो ही नहीं हूँ, अजीब सा लग रहा है मुझे, और अब तो मुझे अम्मा भी दिखाई दे रही है ना? ये अम्मा ही है या मुझे दिखाई दे रही है? हाँ तेरी अम्मा ही है पागल। ये मेरा मेरा ही नाम है, मैं बैग लेके आती हूँ। हाँ अम्मा यहाँ क्या कर रही है? वो भैया लाल वाला बैग दे। अम्मा अम्मा तू क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अयो शारदा तू भी है यहाँ पे? कौन शारदा? प्लीज आप अरे अम्मा, शारदा को तो कोडम्बकम के किसी कोने में दफना आई हूँ मैं, मेरा नाम शरी है। वैजयंती आई थी मेरे पास, तुझे लेके बहुत परेशान है। मैं भी बहुत परेशान हूँ अपनी अम्मा से। फिर अम्मा बोल देना उनको, ठीक है? अरे शट अप यार, मुझे अम्मा से बात करने दे। बताओ ना अम्मा आप यहाँ कैसे? अरे मैंने आटा खरीदा था सुपरमार्केट से, फिर उनका फोन आया, अपने कॉन्टेस्ट जीता है 3 nights 4 days का, देखो देखो होटल भी लिखा है यहाँ पे। सुपर स्टोर, आटा, 3 nights 4 days, महाबलेश्वर, और ये तो वही होटल है शहरी जहाँ हम रुके हुए हैं। ग्रेट फैंटास्टिक, तो पेरी अम्मा आप जाइए होटल और हम चलते हैं मुंबई, है ना? हम मुंबई वापस क्यों जाएंगे जब अम्मा यहाँ है तो? अरे क्यों, अभी तो बोल रही थी मेरा दम घुट रहा है यहाँ, चलो। अरे मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी बाबा? हाँ अरे अकेले थोड़ी रहना है आपको प्यारी अम्मा, अपने आप को कभी आईने में नहीं देखा क्या? ना सेक्सी फिगर है आपका। कुछ भी बोलती रहती है। ये गाड़ी आपके लिए आई है? हाँ। गाड़ी भी भेजी है आपके लिए? हाँ। कौन सा कॉन्टेस्ट था ये? पता नहीं मुझे। गुड इवनिंग मैम। वो हमें अपना कमरा वापस चाहिए और एक और कमरा वासुमती नागराज। हाय डॉक्टर। हाय विशाल, आप यहाँ कैसे? आपकी मम्मी का बर्थडे था तो हमारी कंपनी की तरफ से हमने सोचा व्हाई नॉट सरप्राइज। ओह तो ये सब आपकी, हाउ स्वीट इज दैट, थैंक यू सो मच, आपको नहीं पता आपने मेरे लिए क्या किया। अम्मा अम्मा ये विशाल। नमस्ते। इनकी वजह से ही आप यहाँ। अच्छा थैंक यू सो मच। तुम नहीं चाहते थे ना कि वो जाए? मुझे पता था कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। मुझे पता ही नहीं था वो ऐसे स्माइल करती है। She looks so cute when she smiles, यार। इसलिए वो कम स्माइल करती है, I think। डॉक्टर आपने 1 हफ्ता पूरा कर लिया है, प्लीज बस 2 हफ्ते रुक जाओ, ये फिल्म करण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई प्रोमिस पूरे टाइम आपके साथ ही रहूंगा, सो करण कोई बदतमीजी ना करे तो प्लीज। आप मेरी माँ को यहाँ लेकर आए, That's really so sweet of you।
और सिर्फ इसीलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ। थैंक यू सो मच अम्मा, आई एम सो हैप्पी कि आप आए हो। हैप्पी बर्थडे। एनीवे चल कम कम माँ जी। बहुत अच्छा लगा। करण खन्ना कैसे हो? नमस्ते। नाश्ते के लिए चलें? मतलब मैं जाने वाला हूँ, तुम भी आ जाओ। ये आपका जूस है, पीना हो तो पी लीजिए, मैं दोबारा नहीं कहूंगी और मुझे भूख नहीं। There you go. दो घंटे के बाद वीट ग्रास जूस पीना है, ये भी याद है, और वो भी पी लूं। अभी इतना ज्यादा गुड बॉय एक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ क्योंकि विशाल ने रिक्वेस्ट किया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं। Actually, you know what, ma'am? No, it's okay. What? क्या है? बताइए ना, क्या बोलने वाले थे आप? डॉक्टर नागराजन, मैं ये कहने वाला था कि... Excuse me? Did you just call me Dr. Nagarajan? मेरा प्रॉपर नाम लिया आपने? Not नागू, राजू, त्रिपुरा, तानपुरा, आंटी, माते... एक मिनट, मेरे दिए हुए सारे नाम याद है? I didn't know you liked them so much. मैं ये कहना चाह रहा था कि... I have realized कि हिरानी की फिल्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो दो हफ्ते बचे हैं उनमें हम दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो। वाह, थैंक यू सो मच। बाय द वे, त्रिशा पे वो इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे। देखा तुमने? हाँ, और उसके पेंडेंट से मैच भी कर रहे थे। आई एग्री। गुड मॉर्निंग। Good morning. Morning. Anyone for breakfast? नहीं, apparently हम दोनों को भूख नहीं है. And on your way out, you can shut the door. आप सिर्फ अपने बारे में बात कीजिए ना. मुझे तो बहुत भूख लगी. अरे, excellent. Please join me. ये क्या? मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ. I guess I will order room service then. Don't worry about me. जाओ तुम लोग. What the hell? मैं करण खन्ना हूं यार। What I want, I will get. And I want room service. You have to have this. Yes. One more just for you. Thank you. मैंने मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है आज? Morning. Morning. It's good though. अच्छा डोसा है। Have to try. मेरे से कभी एक बार। Yes, thank you. Anyone else for coffee? Morning, morning. किसी ने मिसेस लोधा को देखा? बीजी वहां पर अकेली थी। अरे भाई, एक कुर्सी लाओ मेरे लिए। सॉरी सर, ये टेबल सिर्फ चार लोगों के लिए है। आपको यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। सर, आप वहां बैठ जाएंगे प्लीज? तू चल, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा टाइम तुझे डॉक्टर के साथ स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। आई नो हाउ मच ही इरिटेट्स यू, प्रॉमिस। दिल मेरा इतनी भी इरिटेट नहीं करती है। कह रहा है मुझे। मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। अरे रोन, बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। अंकल बीजी यहाँ? वो हम लोग अभी बात कर रहे थे, बीजी की यहाँ गौरी अभी लगी। तू एक बात बता, वो पार्टी तूने ऑर्गेनाइज की थी ना? हाँ। आई नीड योर हेल्प, मुझे भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। किसके लिए अंकल? और स्पेशल लेडी। स्पेशल? तो अंकल आप बताइए कि आपकी स्पेशल लेडी को क्या पसंद? आई मीन इंडोर पार्टी या आउटडोर पार्टी? थीम पार्टी अच्छी लगती है उन्हें? म्यूजिक कैसा पसंद है? और खाने में क्या अच्छा लगता है आपकी स्पेशल लेडी को? अबे यार, तू इतनी डिटेल मुझे नहीं बता। अंकल, तो फिर स्पेशल कैसे हुई?
काम कर, तू यही रुक, मैं आता हूँ। चाचू एक ब्लैक कॉफी। तू शादी क्यों नहीं कर लेती है शारदा? तेरी माँ ने है ना रो रो के आंखें सुजा ली है। अम्मा ना बहुत जिद्दी हो गई है। मेरी अम्मा आप उनको समझा दो, बहुत हो गया है ये, बचपना छोड़ दे अब। Hey, I'm not joking, शारदा। I'm also serious, पेरी अम्मा। शादी का ना एक लीज सिस्टम होना चाहिए। 5 साल तक ट्राई करो, वरना ऑनलाइन भेज दो। आओ। Hey, रुको, देख क्या बोल रही है। तू भी ना इसके साथ रह रहे के बिगड़ गई है। मैं देखती हूँ। हाँ, पेरी अम्मा। और ये सीधी बैठ। अम्मा, वो करण खन्ना है, पता नहीं क्यों आए, लेकिन उसके सामने मुझे तिरुपो मत बुलाना। क्यों? अम्मा वो मैं बाद में समझाऊंगी, उसको एक और नाम मिल जाएगा तो बोलना मत। ओके यस, व्हाट डू यू वांट? नॉट यू, मैं माँ जी को हैप्पी बर्थडे बोलने आया हूँ। अरे लेकिन नॉट यू, एक्सक्यूज मी, हैप्पी बर्थडे सुपरस्टार करण खन्ना। रोज फॉर अ रोज। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। आप बैठिए ना प्लीज बैठिए। इट्स सो नाइस टू फाइनली मीट यू, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। थैंक यू सो मच फॉर द रोज। शेरी, बाहर पता है क्या चल रहा है? क्या? वो मिस्टर खन्ना अम्मा पे लाइन मार रहा है यार, और अम्मा भी ब्लश कर रही। व्हाई शी ब्लशिंग यार? शी नॉट, शी शुड नॉट ब्लश ना। इट्स ओके, कम ऑन, अम्मा 65 इयर्स की है, ठीक है, बट शी इज अ वुमन यार, इट्स ओके। ओ यार, शी नॉट ब्लश। शेरी सुनना, मेरी माँ है तो करण खन्ना से प्यार क्यों जता रही है? तुझे क्या प्रॉब्लम है? जल कुकड़ी कहेगी? नहीं नहीं, मैं जल नहीं रही हूँ, आई एम जेन्युइनली वरीड। आई मीन करण खन्ना अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट बिहेव कर रहा है, वो इतना अच्छा क्यों बन रहा है? आई हैव अ फीलिंग कि उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ही कुड बी डेंजरस, यू नो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो 100% इम्पॉसिबल है ना दैट ही कुड बी अ जेन्युइनली नाइस पर्सन। पर यार तू समझती नहीं है शेरी, उनके साथ में पिकनिक पे जाती थी। एक बार हम लोग कश्मीर गए थे, इतनी ठंड और आसमान से रुई जैसे बर्फ गिर रही थी। बेस्ट बर्थडे एवर। वो है ना, मेरे लिए केक लाना भूल गए थे और उनके बैग में तिरुनेलवेली हलवा था, और पास के ढाबे से उन्होंने 2 कप कावा मंगवाया, वो कश्मीरी चाय होती है ना। हाँ वही। बस जैसा वो बर्थडे था वैसा कभी कुछ भी नहीं था। ठंड और आसमान में सफेद सा चांद। अरे वाह, व्हाट अ लवली स्टोरी। ऊपर एक उजला चांद और यहाँ धरती में एक खिलता हुआ चांद। सीरियसली, उजला चांद, खिलता चांद? समथिंग इज रॉन्ग यार। शेरी, वो लोग चांद वान की बातें कर रहे हैं यार, तू बाहर चल मेरे साथ एक बार। प्लीज कम ना यार, तू एक मिनट, यू हैव टू सी दिस। ये देखो, अम्मा दरवाजे पर खड़े होकर भी उससे मुस्कुरा के बात कर रही है यार। इस करण खन्ना के पास कोई जड़ी बूटी है क्या जो ये औरतों को सुगा देता है इम्प्रेस करने के लिए? जस्ट लुक एट अम्मा, कैसे शर्मा रही है वो। आई होप इज नॉट फ्लर्टिंग विद हर यार। मिश्तु, मिश्तु, अम्मा की आंखों की हवस देख रही हो? शट अप यार, इट्स नॉट अबाउट अम्मा, इट्स हिम। एक मिनट अम्मा, व्हाट्स गोइंग ऑन? आप इतना हंस क्यों रही थी? क्या बातें हो रही थी आप दोनों में? उनकी नडिया अच्छी तिरुपो। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इतना हंस क्यों रहा था? आपने उसको मेरा नाम बताया क्या तिरुपो? नहीं नहीं बताया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला। लेकिन तू कुछ भी बोल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा आदमी। रोहन, कम ऑन, इट्स अ रिलेशनशिप, कोई गायत्री मंत्र का जाप थोड़ी ना है कि इफ आई डोंट टेक योर नेम 108 टाइम्स पूजा रुक जाएगी। त्रिशा, बट लिसन। रोहन, प्लीज जस्ट गिव मी माय स्पेस। त्रिशा, बैड टाइम? नो अंकल, ये तो रोज का है। आई डोंट नो व्हाई आर वी फाइटिंग, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। I'll tell you something out of experience. Couple के बीच में जब झगड़ा होता है, इसका मतलब necessarily ये नहीं होता कि कुछ गलत है। कुछ couples होते ही ऐसे।